अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। और ये देखें जी जनाब, मेरी औलाद जो है ना वो आ गई है स्कूल से माशाल्लाह। तो अली साहब को ना शौक चढ़ा हुआ कंडेंस मिल्क जो है ना वो मुझे ब्रेड के ऊपर लगा के दें। अब बताएं कि ऐसे कौन खाता है। नोटेला उसका मिला नहीं है, तो वो लेने गए थे हम ग्रॉसरी तो, लेकिन वो नहीं मिला ना, तो फिर वो दूसरा भी नहीं मुझे याद रहा। इस दफ़ा खुद नहीं गया ना चोकोब्लिस, तो वो लेके नहीं आए ना मुझे याद रहा। जब घर आ गए तब मुझे याद आया कि जब इसको देखा है मैंने, कह लिया याद ही नहीं रहा मुझे ना लाने का। तो अभी मैंने साथ साथ मशीन लगाई हुई थी, अभी कपड़े वगैरह, शाम का टाइम हो गया है और कपड़े वगैरह भी मैंने छत पे डाल के आने थे, थोड़े से मैंने डाल दिए थे, तो अभी आए ही हैं स्कूल से। और आते सारी गैस भी नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो उतनी देर ये खा लो आप लोग, फिर ना मैं आपको देती हूँ रोटी बना के, जब तब तक गैस आ जाएगी 3 बजे तक ना। ये जी ये लग रहा है कंडेंस मिल्क, वैसे मज़े का लग रहा है, मीठा इतना है। और मियाँ साहब कहते हैं आ देखो मैं हाथ जोड़ लाए बेगम साहब, हम चीनी छाट दियो तुसी। तो पता नहीं क्यों मुझे चीनी इतनी पसंद है, मीठा इतना पसंद है। चलो मैं अब ना लाला साहब को लगा दूँ, और हैदर साहब जो इतने फड्डे लगाता है, मैं थोड़ी देर उसको नीचे छोड़ के, एक काम था मुझे घर में ही, तो वो इतना रोया कि मम्मा पता नहीं कहाँ पे चली गई हैं। एक साइड पे लगाती हूँ, ये लग गया एक साइड पे, और इसको मैं ना ऊपर कवर कर देती हूँ। अब काट के देती हूँ लालस्तान को, पता नहीं अब उसको पसंद आ जाए। सही, हाँ जी जी आज हम बनाने लगे आलू की टिक्कियाँ। और ये जी मेरे पास ये ऐसे ना मैश करने वाला था काफ़ी देर का, जब हम मुझे लगता है भावलपुर होते थे ना तब मैंने लिया था। अच्छा मैं इसको यूज़ ही नहीं करती थी, पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ था कैबिन में, तो मैं ना हाथों से लगी रहती थी। हैदर हेलो बेटे, हैदर साहब जो है ना मेरे पास चढ़ के इधर खड़े हैं, हेलो करो, वेव करो सारों को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जी? हाँ तो आज ये जो ना ये मियाँ साहब जब कुकिंग करते हैं ना, तब उन्होंने निकाला था, ये देखो ऐसे नज़र आता है कि ये मुझे दो, तो इसे मैश करते थे, एक दो चीज़ें उन्होंने बनाई है ना तो ऐसे मैश करते थे। तो आज मैंने कहा चलो मैं भी इसी कर लेती हूँ, थोड़ा सा जोर आजमाना तो पड़ता है ऐसे। हाय हाय हैदर, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, एक हाथ से हैदर खींची जा रहा है मोबाइल और हिली जा रही है वीडियो हमारी। मैं हेल्पर भी नहीं आई मेरी आज, तो इस वजह से मैंने खुद ही झाड़ू वगैरह लगाया, और अभी काफ़ी देर हो गई, अब लगाया नहीं है ना कभी, तो ना बहुत मुश्किल हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ना ये थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, मैंने खुद ही सफाइयाँ वगैरह शुरू कर देनी है, क्योंकि हैदर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अब तो तंग ही बहुत करता है, दिन भी बड़े हो जाएंगे ना उनके, खुले होंगे फिर मतलब काम वगैरह इजीली कर सकता है। अब तो नाश्ता करते हैं, बल्कि जब बच्चे जाते हैं मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर ना, फिर उठती हूँ 10:30 या 11:30 तो मेरी हेल्पर आ जाती हैं, और फिर बाद में मैं नाश्ता करके ना तो वो शुरू हो जाती हूँ खाना वगैरह बनाना, और बड़ी मुश्किल से 2 बजे तक बनता है। ये देखे कितना प्यारा है, इसमें से ऐसे निकल रहा है, ये कितनी प्यारी सुंडियाँ सुंडियाँ से क्या है, ये टांगरी सी बन गई है, पता नहीं क्या है इसको कहते हैं। ये देखें अभी फिर मैं शो करवाती हूँ, ये खुद ही मैं लगी हुई हूँ खेलने। और पुत्र मेरा जो ना इधर पता नहीं गाड़ी चला रहा है, ये डिंकी लेके आया था उस दिन। चले अब मैं इसमें नमक मिर्च सारा कुछ ऐड करती हूँ, और सब्ज़ धनिया जो है ना मैं देखती हूँ फ्रिज में पड़ा है कि नहीं, तो सब्ज़ी वाला मुझे लगता चला गया ना, उन्होंने सब्ज़ धनिया खाना है बच्चों ने, ना ज़ीरा खाना ना प्याज खाना है, बस नमक मिर्च वगैरह हो बस, और कुछ नहीं डालना जी, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं डालनी है आपने ना, कहते होते हैं। हाँ जी हेलो, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या ये बनाना जो है ना ये हैदर साहब ना ऐसे रख लेते हैं लेके, एक आधी बाइट लेते हैं और भी खाता भी नहीं है, है ना हैदर। लो जी टिक्कियाँ शिक्कियाँ हमारी जो बन गई हैं, और हमारे घर में जी धनिया भी नहीं था, और मैंने ना वो सामने अबरिश लोगों से मांगा है, ये लाला को इतनी जल्दी पड़ी है, लाला दिखा तो लें खोतिया, इतना बदतमीज है ना बच्चा ये। अच्छा अच्छा वो तो है ही है, ये जो है ना ये एवी 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 रोई जा रहा है, ईमान भाई के सर पे लगी है बेटे। अब ये इधर रख लेते हैं हम फ्रिज में, ये बाकी की जो बच गई हैं इनको रात को फ्राई करेंगे इंशाल्लाह जब बाबा आएंगे बच्चों के। तो ये 2 मेरी हो गई हैं, और ये 2.5 ईमान साहबा की है, और ये मेरा जो छिंछड़ है ना ये वो थी आपकी, फोक लेना है टिक्कियों के साथ, कौन फोक के साथ कौन टिक्कियाँ खाता है, कैचअप। अच्छा मैं देती हूँ, ये
वादू का ही बच्चा जो है ना हमारे, इसने ना हमारा सर खाया हुआ है छोटू ने। एक मिनट ठहरो, ये क्या मक्खी तो नहीं है वैसे ही, वो लग रहा था। हैदर ने क्या खाना है बताओ। नहीं जी अब आ गई है जी मेरी बारी, मैं खाने लगी हूँ ये कबाब शबाब। ये हमारे आलू के कबाब हैं और ये चाय बनाई है साथ। लाला साहब बाहर फिर खेलने चले गए और ईमान साहब कह रही है मैंने चाय नहीं पीनी, उन्होंने अभी जाना है ट्यूशन, तो हैदर की भी मैंने डाल के रखी है। तो मैंने आप लोगों से एक बात बात शेयर करनी थी, मैंने की थी साहिवाल से शॉपिंग, तो वो मैंने दिखानी है, वो बस दिखाई नहीं जाती। मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी ना भाई। ये ना मैंने एक दिन जिंगर बनाए थे तो हमारी गैस चली गई थी, तो आज मैंने ना पहले पहले ही ये जो रख दिया मैश वो लगा के रखा हुआ था, क्या कहते थे हैं, मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रीज़र में, सारे मसाले वगैरह लगा के रखे हुए थे। तो आज मैं इनको ना वैसे मैं फ्राई कर रही हूँ, मेरे पास नॉन स्टिक वो बड़ा तो नहीं है पैन, बस छोटा सा ही है ये फ्राई पैन, और इसमें मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। दूसरा मैं सॉस बना के देखूंगी, वो स्टेक वाली जो सॉस होती है ना वो आज ट्राई करनी है मैंने, कि अल्लाह करे सही बन जाए घर में, तो अच्छी बात है। क्योंकि इसमें ना हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई है और मुझे याद भी नहीं था कि मैं पहले निकाल कर रख देती थी, हमेशा ही ना मुझे एंड टाइम पर चीज़ याद आती है और मैं फिर निकालती हूँ, लेकिन मैंने हल्की आँच कर दी है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कोई नहीं। चलें देखते हैं कैसे बनते हैं फिर ना। जिंगर एक दिन बनाए थे वो तो थोड़े से हार्ड हो गए थे। नहीं जी भाई मैंने अभी इसको ना तवे पे डाल दिया है, पहले मैंने जो थी ना अपनी टिक्कियाँ शिक्कियाँ वो फ्राई कर ली हैं और गैस हमारी चली जाती है। अब मैंने इसको ना तवे के ऊपर रख दिया है, अब एक साइड से तो पक गया है, अब दूसरी साइड से ना पलटती हूँ इसको, देखते हैं। तवे पे रखा तो इतना शू 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 किया इसने, इतनी आवाज़ें निकाली, अब अंदर से पक जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बिस्ती वाला मुकाम ही ना हो जाए कहीं मेरा। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। अब हम बनाते हैं इसकी सॉस, और सॉस बनाते हैं मैंने मैदे पिशादे से, कोई नहीं बनानी लंबा चौड़ा काम कोई नहीं करना, मैंने ना मेयोनीज लेके तो उसमें मैंने चीज़ें वगैरह डाल डूल के ना सॉस बना लेनी है बस। मैंने ना मेयोनीज डाली थी और उसमें ना मैंने थोड़ी सी वो जो चिली गार्लिक वो है ना केचप है वो डाली थी मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं डालूँगी काली मिर्च और थोड़ा सा दूध डालूँगी ताकि पतला हो जाए ना। तो देखते हैं अब बच्चों को पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि पीस तो तीन ही थे, एक दिन जिंगर बना लिए थे तो इसलिए ना ये बचे हुए थे और टूटे फूटे से थे जी बेटे। मम्मा ने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से काम करना होता है। स्टैंड एक दफ़ा मंगवाया था लेकिन वो ना सही नहीं निकला, अब लूँगी मैं और इंशाल्लाह। और ये पुत्र जो है ना मेरा ये आगे खड़ा हो गया इधर, ये देखें ज़रा इधर, ओए बंदर बच्चे। हाँ चलें इसको ना मिक्स कर लूँ मैं पहले। अच्छा जी अब बच्चे खाना खा रहे हैं, उनके बाबा भी आ गए थे और मैं दूध वगैरह बॉयल कर रही थी, साथ मैंने चाय रख दी है हल्की आँच में, मैंने कहा ये पके तब तक तो हम लोग खाना खा लेते हैं। और इधर जो है ना माशाल्लाह से फौजियाँ जो है ना खाना खा रही हैं, बट हैदर अच्छा बाबा के पास खड़े हैं बैठे हैं तो मना करी जा रहे हैं, वो मना नहीं हो रहा और मुझे शिकायतें लगाई जा रहे हैं। ये रिमोट पकड़े हैं भाई। हैदर मैं पहले साफ़ करके गई, तमीज़ कर लिया करो थोड़ी सी, इसको आपने देना ही नहीं है पानी, ये सारे ना बाजू गंदे कर रहा है, वो गीले भी कर रहा है ये देखें। हाँ जी बच्चों लाला साहब को तो बहुत भूख लगी हुई थी, ये चिकन सही बना है ना, मज़े का है क्योंकि मसाला लगा के रखा हुआ था ना, लो मज़े का बना है। वाह ईमान कैसे यम्मी कैसे बताओ ना कैसे, हाँ मज़े का, वाह जी वाह। ये लो और काफ़ी वो स्पाइसी हो गया है ना। चलें जी अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ, क्या कहना था। अब हम करते हैं व्लॉग का एंड, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।